कक्षा दसवीं विशेष संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम प्रथम पाठ है जयसुर भारती। इस पाठ के जो व्याख्या कर रहे थे सह प्रसंग व्याख्या, उसमें हमने हिंदी व्याख्याओं को लिखा था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षा होती है उसमें दसवीं कक्षा में संस्कृत के अंतर्गत तीन संस्कृत व्याख्याएं आती है। एक पद की आती है, एक गद की आती है, एक नाट्यांश की आती है। इस प्रकार संस्कृत व्याख्याओं का अभ्यास होना बहुत जरूरी है। इन संस्कृत व्याख्याओं का अभ्यास करने से आप इन प्रश्नों को सरलतापूर्ण कॉपी में हल कर सकते हैं। आज हम प्रथम पाठ जयसुर भारती की जो निबंधात्मक प्रश्न है, प्रश्न नंबर दो, उसमें ये श्लोक है हमारा, त्वयं असि शरणा त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुकरा स्मित रुचिर रुचिरा वर्णा। यानी जो इसकी आपने हिंदी अर्थ किया था और हिंदी अर्थ यदि जान गए तो संस्कृत व्याख्या में कोई समस्या नहीं आएगी। यानी इसका जो हिंदी अर्थ पहले पढ़ो उसके आधार पर ही संस्कृत व्याख्या बनाई जाती है। तो यह असी शरण्या, यानी तुम सबको शरण देने वाली हो, त्रिभुवन धन्या तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो, प्रसिद्ध हो, सुर मुनि वंदित चरणा देवता और ऋषि मुनि लोग आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। सुर मानी होता है देवता, मुनि मानी ऋषि मुनि लोग, वंदित चरणा आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। नवरस मधुरा कविता मुकरा, यानी नवरसों से युक्त कविताएं आपसे आपके मुख से मुखरित होती है। नवरसों से युक्त कविताएं आपके मुख से मुखरित होती हैं। स्मित रुचिर रुचिरा वर्णा, यानी मंद मंद जो आपकी मुस्कान है वो आपके आभूषण है। ये अर्थ हमने समझ लिया। उसके बाद में हम इसका संस्कृत व्याख्या करेंगे। संस्कृत व्याख्या में पहले प्रसंग लिखना पड़ता है। पद्यांश अयम अस्माकम स्पंदना इति पाठ्य पुस्तकस्य जय सुर भारती इति पाठा उद्धृत है। पद्यांशो अयम अस्माकम स्पंदना इति पाठ्य पुस्तकस्य जय सुर भारती इति पाठा उद्धृत है। यानी प्रस्तुत पद्यांश हमारी पुस्तक स्पंदना के जयसुर भारती इस पाठ से लिया गया है। मूलतः इयम गीति, मूलतः यह गीत डॉक्टर हरिराम आचार्य विचिता, मूलतः यह गीत डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा लिखा गया है, रचित है। मधुछंदा इति ग्रंथात संकीर्ता, मधुछंद ग्रंथ से लिया गया है। अत्र कवि सुर भारत्या सद्गुणां वर्णयन कथयति। अत्र यहाँ कवि सुर भारत्या, सुर भारती यानी वाणी की जो देवी माँ सरस्वती है उसके सद्गुणों का वर्णन करते हुए कहता है, क्या कहता है, हे देवी सुर भारती त्वयं आश्रय प्रदायिनी। यानी जो हमारे ये शब्द हैं इनका पर्यायवाची शब्द इसमें बदल कर लिखना है आपको, हे देवी सुर भारती त्वयं आश्रय प्रदायिनी, त्वयं आश्रय प्रदायिनी त्रिलोके श्रेष्ठा देवई मुनिवी च वंदितौ। हे देवी सुर भारती तुम आश्रय देने वाली हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो, देवताओं और मुनियों के द्वारा आप वंदित हो, यानी वंदना की जाती है।
के चरणों में वंदना की जाती है। यश्या सा संगार आदि भी नव कायो रसई माधुर्य मई सविता रूपे सभी वरंजिता। सा संगार आदि भी यश्या चरणों यश्या सा संगार आदि भी नव कायो रसई माधुर्य मई कविता रूपे अभिव्यंजिता मृदु हास युता सुंदरा भूषणई सुंदरा भूषणई च शोभिता असि एवं त्वेन अति मनोरा असि। यानी तो हमारा ये हमारा श्लोक है, इसके ये जो शब्द है इनका पर्यायवाची शब्द बदल कर यानी इसका अर्थ निकाल के अपनी भाषा में उसकी संस्कृत व्याख्या करना। अब इसमें जो हमारा शब्द आए इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द इनके अंतर्गत बदल कर लिखे गए हैं, यही हमारी संस्कृत व्याख्या होती है। इसका अर्थ समझो पहले और अर्थ के हिसाब से अपनी भाषा में इसका संस्कृत में लिखना, वही संस्कृत व्याख्या होती है। तो हमारा प्रसंग हो गया, इसके बाद व्याख्या हो गई संस्कृत में, और इसके बाद में व्याकरणिक जो बिंदु है विशेष, जिसको विशेष बोलते हैं, उसमें इनमें से शब्द छांटने हमको। जैसे शब्द आया त्रिभुवन धन्या, त्रिभुवन धन्या, त्रिषु भुवनेषु धन्या, त्रिषु भुवनेषु धन्या, कर्मधारय समास और सप्तमी तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और सप्तमी तत्पुरुष समास। सुर मुनि वंदित चरणा, सुरई मुनि भी वंदितौ चरणा यश्या सा, सुरई मुनि भी वंदितौ चरणौ यश्या सा। यानी बहुव्रीय समास, यानी बहुव्रीय समास वो होता है जिसके अंतर्गत न तो प्रथम पद प्रदान होता है ना द्वितीय पद प्रदान होता है और अन्य पद भी प्रदानता होती है। सुर मुनि वंदित चरणा, सुरई मुनि भी वंदित चरणों यश्या सा, यानी देवता और ऋषि मुनियों जिसके चरणों की वंदना करते हैं यश्या सा, जो है बहुव्रीय समास हो गया। इसमें माँ सरस्वती के लिए आया है, माँ भगवती माँ सरस्वती के लिए भी आया है। नव रस मधुरा, नव रस मधुरा, अल्लाह सब लिया ने नव रस मधुरा, नव रसई मधुरा, नव जब समास विग्रह करेंगे तो नव रसई मधुरा, तृतीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, नौ रसों से मधुर, नौ रसों से मधुर, तो तृतीय तत्पुरुष समास। रुचिरा वर्णा, रुचिराणी आवरणानी यश्या सा, यानी रुचिरा आवरणानी, रुचिरा आवरण, रुचिराणी आवरणानी यश्या सा, यानी मंद मंद जो मुस्कान है, मंद मंद मुस्कान जिसके आभूषण है गहने हैं, वह माँ सरस्वती के लिए प्रयुक्त हुआ है यश्या सा, वह माँ सरस्वती है बहुव्रीय समास। इस प्रकार ये हमारी जो संस्कृत व्याख्या है इसका आप लिख लिख कर बार बार अभ्यास करेंगे तो ये प्रश्न आपके जो तीनों प्रश्न हैं आसानी से सरल हो सकते हैं। धन्यवाद।